Hey friends, welcome to our channel. So as you can see the thumbnail, or we can say the front page, in this video I'm going to provide you questions from articles, which is one subtopic in your English grammar. बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहते हैं इंग्लिश में, वो एक तो आपका एरर डिटेक्शन. अगर मेरे से बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि इंग्लिश हमारी वीक है, स्पेशली ग्रामर, तो उसे हम इम्प्रूव करने के लिए क्या करें, तो उन सभी के लिए एक बेस्ट एडवाइस या कहे सजेशन है मेरी तरफ से कि जितने भी बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी ग्रामर वीक है, तो आपको सबसे पहले एरर डिटेक्शन के एक्सरसाइज करने चाहिए, क्योंकि एरर डिटेक्शन के जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें आपको सारे जितने भी ग्रामर्स के रूल्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो सारे उसमें मिल जाते हैं. लाइक प्रिपोजिशन से लेकर वर्ब्स, आर्टिकल्स, कंजक्शन, सारे आपको एरर डिटेक्शन में मिल जाते हैं. तो इसलिए जो बच्चे हैं जिनको लगता है उनकी ग्रामर वीक है, तो ओपन योर एरर डिटेक्शन एक्सरसाइज और उसे करने की कोशिश करो. उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको सीखने को मिलेगी. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से आपको पुटअप किए जाते हैं एग्जामिनेशन में. तो यू मस्ट डू एरर डिटेक्शन एक्सरसाइज. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डैश बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेंड डैश की चेन. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द एंड अ. सो स्टेटमेंट इज द बैग आई फाउंड यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पर जो बैग बता जिसमें की है, जिसमें चेन या फिर की मिली है, तो उस पर्टिकुलर बैग की बात कर रहे हैं. तो हेयर वी फर्स्ट वी राइट द डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है. सो द बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेन्ड अ की चेन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू, आई विल गो देयर इन डैश इवनिंग. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? I will go there in the evening. So before the evening, जो आपके तीनों days होते हैं, day timing होती हैं, तो उसके पहले हम दा लगाएंगे. जैसे the morning, the evening and the night. In the night, जैसे we have dinner yesterday in the night, तो the night, ठीक है. Next is Have you found dash purse you lost yesterday? So which one? यहाँ पर भी आपको पता चल गया होगा एक पर्टिकुलर पर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एक डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे द, ठीक है. तो हैव यू फाउंड द पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे, उस पर्स की बात की जा रही है जो कि लास्ट यस्टरडे खो गया था, ठीक है. सो यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इट इज डैश मैटर ऑफ चांस. It is dash matter of chance. So correct answer is option A, B, sorry. It is a matter of chance. Simple. Next is question number 5. Question is, he was invited for dash dinner. He was invited for dash dinner. Now which one is the correct answer for this question? Obviously, definite article use hoga the. ठीक है. सॉरी, यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल. ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर. इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा यहां पर. नेक्स्ट इज कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एन, ठीक है. कॉपर इज एन यूजफुल मेटल. According to the book यहाँ पर n आना चाहिए, लेकिन according to me यहाँ पर a आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई vowel use नहीं हुआ है. तो I think the right answer book में गलत हो सकता है. Copper is a useful metal. Option B is the correct answer. Next is question number 7. He is dash ME. So MA. MA में आपको पता होगा A
हिंदी का अल्फाबेट, हिंदी का जो वर्णमाला है ए आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वोवल आ रहा है, यहाँ पर एन यूज करेंगे, ही इज एन एम ए. वन एक्सेप्शन इज देयर, यूरोपियन में देखा जाए तो यूरोपियन यू आ रहा है ना, यूरोपियन में हम यूरोपियन में यू पढ़ते हैं, यूरोपियन, तो वहाँ पर हमें कोई फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है आ ई आ हिंदी के, वो नहीं सुनने को मिलते यूरोपियन में, तो वहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं, हम अ यूरोपियन लगा देते हैं, बट ये गलत हो जाएगा. यूरोपियन के साथ हमेशा एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है कि यूरोपियन होता है यूरोपियन, यूरोपियन में यो करके आ रहा है ना साउंड यूरोपियन, यहाँ पर हम आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज ओनली डैश कैन सेव आर कंट्री, ओनली डैश कैन सेव आर कंट्री, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली अ हिटलर कैन सेव आर कंट्री, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन ईटर हैज बीन किल्ड, यहाँ पर क्या आर्टिकल आएगा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, आइदर ए और बी, मतलब एन भी आ सकता है ए भी आ सकता है. एन मैन ईटर हैज बीन किल्ड, अ मैन ईटर हैज बीन किल्ड, आई थिंक मोस्ट एप्रोप्रिएट तो बी होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, आई कैनॉट डू डैश डिफिकल्ट वर्क, आई कैनॉट डू डैश डिफिकल्ट वर्क, सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आई कैनॉट डू सच अ डिफिकल्ट वर्क, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इंडिया, सो यहां पर बेसिकली कंट्री का नाम है दी इंडिया, वी ऑलवेज यूज दी फॉर दी पर्टिकुलर कंट्री, एज वेल एज जितनी भी कंट्रीज है उनके पीछे हम क्या यूज करेंगे, उनके आगे द, तो द यूएसए इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, डैश विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, सो ऑप्शन इज हाफ रुपी आएगा, हाफ अ रुपी, अ हाफ रुपी या फिर एन हाफ रुपी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाफ अ रुपी विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रांस इज अ लैंग्वेज of and people of England. Next, turn to dash left. Turn to dash left. Turn to the left. Next is question number 15, which is the highest, है ना? Already the आ रहा है, ठीक है? Which is the highest? Always use the before the superlative degrees, like the tallest, the highest, the biggest. So always use the, या फिर the जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? Definite article, the का use होगा. Next is question number 16, do not make dash noise. So which one is the correct answer? Do not make a noise, option C is the correct answer. Question number 17, I shall be back in dash R. आर बोलते हैं ना आर, तो यहाँ पर अ का साउंड आ रहा है, तो हमेशा आर्टिकल क्या हो जाएगा? एन, ठीक है. ऑलवेज यूज आई शेल बी बैक इन एन आर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, डैश एप्पल कार्ट इज डैश हिस्टोरिकल नोवेल. करेक्ट आंसर इज द एप्पल कार्ट. द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नोवेल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डैश वाराणसी वेयर ही वॉज बोर्न इज डैश गुड सिटी. सो वी यूज द वाराणसी वेयर ही वॉज बोर्न इज अ गुड सिटी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, ड्राई दीज बूट्स इन डैश सन. सो करेक्ट आंसर for this question you have to comment below in the comment section, option D. So please answer this question in the comment box, what is the correct answer for this question? I'll answer in the next video. Dry these boots in
डैश सन। सो गाइज दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। टोटल इसमें हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।